लोगों की पूरी कोशिश है। आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी जो जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में कांग्रेस सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी देश देश को। नमस्कार, न्यूज फॉर्मेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में वो तमाम विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बता दें कि पहले उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की थी, उसके बाद जो कुमार स्वामी थे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात की, आज वो लेफ्ट के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लेफ्ट के नेताओं से मुलाकात कर पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक बार फिर से उन्होंने विपक्षी एकता को मजबूत करने का दावा किया और चेहरे के सवाल पर वही कहा कि पहले एक बार सब जुट जाए फिर उसके बाद चेहरा तय किया जाए। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, छोड़ जाते हैं उनके सब लोगों के साथ संबंध और आज नहीं हमारे यंगर एज से एक संबंध है। और आप जानते हैं इधर हम अलग हो गए थे लेकिन उसके पहले यहाँ पर कितना बार नीचे से ऊपर हम आते रहते थे, आप लोग नहीं देखे हैं कभी। जब हम आते थे दिल्ली तो यहाँ भी आते थे और यहाँ इनके ऑफिस में जाके बैठते थे, ये सब मेरा पुराना संबंध है। आज तो हम लोग फिर एक साथ हो गए हैं बिहार में। अब हम लोगों की पूरी कोशिश है, आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी जो जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में कांग्रेस सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी देश देश को। हाँ, बहुत ठीक है, ठीक है, हमारी बातचीत पूरी हुई है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। बीजेपी वाले कह रहे हैं सर, बीजेपी वाले कह रहे हैं मंजूरी साहब, लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को सब तो देश में आना चाहिए, देश में आना चाहिए, आप लोगों का समर्थन है। आप जानते हैं कि बिहार में हम लोग जो सात पार्टियां एक साथ हैं तो उनका तो अपना है ही वहां संबंध, लेकिन बाकी अन्य जगहों पर भी और पूरे देश में सब एकजुट हो जाए तो इसी के लिए आजकल बातचीत होती है जो हम लोगों का सुझाव कहते हैं, तो आगे की चीज है, कुछ समय के बाद की चीज है। आपने नीतीश जी को सुना, हमारा हार्दिक स्वागत है कि वो अब वापस फिर इस ऑफिस में आए और हम समझते हैं कि ये देश की राजनीति के लिए एक बहुत ही बेहतर संकेत जो है वो दिया गया, इसकी विपक्ष की पार्टियां उनके ऐलान है और हम उसको मानते हैं। विपक्ष की पार्टियों को सबको इकट्ठा होकर आज जो है हमारे देश और संविधान को बचाना है। सर ये सब गलत बात है, देखिए हम उसके नहीं नहीं, आप ये पूछ देते हैं आप लोग, हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है, हम तो सब हम नहीं नहीं हम तो सब लोगों को एकजुट करने में है खाली, हमारा कोई इच्छा नहीं है। पहला टास्क है जैसे इन्होंने कहा कि सबको एकजुट करें, जो भारत के संविधान को और इसकी चरित्र एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य उसको जो बचाएंगे उसके आधार पर हम जो है आगे की बात सोचेंगे। मुलाकात में भारत जोड़ो के यात्रा के आप लोग इनवाइट किया गया, उसकी बात नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं पूरे अपने अपने पार्टियां अपने अपने काम भी करेंगे और इकट्ठा भी करेंगे।